सलार मूवी देखी आपने? यस सर, थोड़ी देर पहले की, बहुत ही शानदार लगी, एक नंबर, फुल पैसा वसूल, दिल जीत लिया प्रभास ने, पृथ्वीराज ने, श्रुति हसन का थोड़ा बहुत ही रोल है, लेकिन उनका जितना रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी इसमें जगपति बाबू का रोल भी एक नंबर का है, और हालांकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बहुत लगेगी कि यार कुछ खास नहीं है, KGF वाली वाइब आ रही है, और इसमें जो डायलॉग्स हैं, मतलब प्रभास के जो बचपन, जो फ्लैशबैक दिखाया जाता है बचपन वाला, तो वो थोड़ा सा मतलब उस तरह लग रहा है आओ, मतलब एवरेज। लेकिन जैसे जैसे मतलब इंटरवल के पहले आधे घंटे पहले आपको ये रिलेट कर जाएगी, ये बात है। और क्लाइमेक्स तो भाई बहुत ज़्यादा धांसू है, इंटरवल के बाद तो मतलब एक नंबर की लगती है फिल्म, फुल पैसा वसूल। और जिस लेवल का इसमें वॉयलेंस दिखाया गया, जिस लेवल का इसमें एक्शन दिखाया गया, भाई प्रशांत ने को मान गया यार, मैं अगर कहूँ कि KGF से भी ज़्यादा वॉयलेंस है तो गलत नहीं है। क्या लगता है जैसे एनिमल मूवी ने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए थे, उसका रिकॉर्ड ब्रेक करेगी? बिल्कुल तोड़ देगी, क्योंकि जब एनिमल फिल्म आई थी तो प्रभास ने एनिमल को अप्रिसिएट किया था, तारीफ की थी। अब जो रणबीर कपूर लोग हैं, जितने भी हैं, मतलब इसके जो एक्टर संदीप वांगरेड्डी लोग, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं सलार को, मतलब प्रमोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब इतने बड़े बड़े लोग सभी प्रमोट करेंगे तो ये फिल्म भी कमाएगी। और कहीं ना कहीं जो प्रभास के फैंस हैं वो राधे श्याम, साहू, और एक कौन सी फिल्म आई थी, आदि पुरुष, इन सभी फिल्मों से ऊब गए थे। तो लोगों को लग रहा था कि भाई प्रभास फुल एक्शन के लिए बना, तो एक्शन अवतार में आए, वो आ चुके हैं। तो इस मूवी को 5 में से कितने स्टार देंगे? मैं इसको 5 से पूरे 5 स्टार। ओके सर, थैंक यू।